हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताने वाली हूँ चारकोल मार्क्स के बारे में। फ्रेंड, ये ना चारकोल मार्क्स है, ये हमारे ब्लैकहेड्स को रिमूव करता है, व्हाइटनेस को भी रिमूव करता है और साथ में हमारी ऑयली स्किन को भी निकालने का काम करता है। मैंने इसका यूज़ किया था फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को द्वारा बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ, फैमिली लोगों के साथ भी मेरे वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। आज मैं इसका ही रिव्यू दूंगी, ताकि इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कैसे इसको निकालना है, आज मैं वो बताऊंगी आपको फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे अपना फेस को क्लीन कर लेना है, क्योंकि हमारे फेस में मेकअप होगा तो मेकअप को रिमूव कर लेना होगा। चाहे आप क्लिंजर टोनर से आप यूज़ कर सकते हो या फिर टोनिंग से। तो मैं ये जोविस का यूज़ कर रही हूँ स्किन टोनर, तो मैं इसे अपने फेस को रिमूव कर लूँगी। मैं अपने फेस को रिमूव कर लूँगी, आप देख सकते हो अच्छे से रिमूव करूँगी, ताकि फेस में मेकअप बिल्कुल भी ना रहे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे डेड स्किन निकली हुई है, अब ये देख सकते हो। मैं ये चारकोल मार्क्स लगाऊंगी, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा फेस को सुखा लेंगे, ये गीले ना हो ताकि लगने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए कुछ पैक इस तरह रहेगा, ये पैकेट है, और ये देखिए आप देख सकते हो चारकोल मार्क्स क्रीम है। मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, कितना आपको यूज़ करना आप निकाल सकते हो, मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ ताकि लगेगा तो मैं फिर लगा लूँगी फेस में। मैं इसको फेस में अप्लाई करूँगी। फ्रेंड, जहाँ पे हेयर ज़्यादा हो तो प्लीज़ वहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा ये पेनफुल है, थोड़ा लगता है ये फेस पर, तो बहुत केयरफुल इसको आपको निकालना होगा। कि हमारे ब्लैक हेड्स अधिकतर नाक में ज़्यादा होते हैं, पर हम फेस में इसलिए लगा रही ताकि फेस भी जो टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाए। ऑयली स्किन है उसके लिए और भी बेस्ट है, आप यूज कर सकते हो। नोज में अच्छे से लगाएंगे, ताकि के नोज में जो होते हैं ना हमारे ब्लैक हेड ज्यादा होते हैं फेस के अकॉर्डिंग। मैंने हेयर वाली जगह मैंने नहीं लगाया है, तो प्लीज़ फ्रेंड आप भी ट्राई ना करें, इसमें पेन ज़्यादा होता है।
और ये आपका प्रोडक्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा कॉस्मेटिक के शॉप में। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ऑनलाइन में 130, 140, 150 ऐसे रेंज में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा पैक लग गया है, आप देख सकते हो। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है, ये पूरे फेस में सूख जाए, कहीं भी गीला ना हो, नहीं तो ये निकलेंगे नहीं, कि मार्क्स की तरह ये निकलते हैं। और बहुत केयरफुल होके इसको निकालना होगा, तो मैं उसको आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है। फ्रेंड तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती। फ्रेंड देखिए, 20 मिनट हो गए हैं मेरे फेस को, ये पूरी तरह से सूख चुका है, आप देख सकते हो। 20 मिनट से एवप हो गए हैं, ठीक है। ये पूरा ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। इसका निकालने का तरीका मैं बता दूँ, कभी भी आप नीचे से ना निकालें, हमेशा जब भी निकालें ऊपर की ओर से निकालें, क्योंकि हमारी जो चेहरे पे जो बाल होते हैं नीचे की ओर होते, जब हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो बहुत पेन होता है। इस चीज़ से बचने के लिए तो मुझे ऊपर से रिमूव करना होगा, जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ से हल्का सा। हमेशा जब भी यूज़ करें ऊपर की ओर ही नहीं यूज़ करें, नीचे से कभी भी ना निकालें। आप देख रहे हो बड़ी इजी से निकल रहा है, थोड़ा तो स्किन को पकड़ भी लें, ताकि आपको लगे ना जब भी स्किन जहाँ टाइट ढीली लगे आपकी फेस पे, अब वहाँ भी सब पकड़ लें। ऐसे ऐसे पकड़े ऐसे करके, तब नीचे की ओर लगती है थोड़ी। मेरे तो हेयर निकल लग गए थे, देख रहे हैं यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसी गलती आप भी ना करें। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह निकलेगा, ये हमारे फेस की बनावट है। ये नोज साइड आप देखिए ब्लैक हेड्स निकले हुए हैं, आप ये देख सकते हो। और जो बचे हुए मैं उसको भी निकालूंगी।
आपने देख ले कितनी इजी से मैंने इसको निकाला है। ऊपर से आप निकालोगे तो बहुत ही इजी से निकलेगा। ये देखिए फ्रेंड, मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है, डेड स्किन भी रिमूव हो गई है और ब्लैक हेड्स वगैरह भी रिमूव हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा पेन तो होता है बट ये आपके ब्लैक हेड्स से जो परेशान होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ये देखिए मैंने, आप देख सकते हो, तो इसे डायरेक्टली से छोड़ना नहीं है कि हमारे ये पोर्स जो होते हैं ओपन हो गए हैं, तो मुझे इसमें चाहे मॉइस्चराइजिंग हो या टोनर हो आप इसको फेस में ज़रूर लगाएं। तो मैं मॉइस्चराइजिंग नहीं लगाऊंगी, मैं टोनर यूज़ करूंगी। मेरे पास ये जो मैंने यूज़ किया था क्लीन करने में, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे हल्का सा फेस में अप्लाई कर लेती हूँ, हमारे पोर्स जो है ओपन हो चुके हैं। मैं अपनी बिंदी लगा लेती हूँ। फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जहाँ तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फ्रेंड, ताकि मैं आपको नई नई व्यू अपडेट देती रहूं। थैंक यू सो मच।